नमस्कार दोस्तों, हम राजू चौरसिया। दोस्तों तो हमारे चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे आप लोगों के लिए बीम प्लास्टर करने में दिक्कत होता है, बहुत नए नए आदमी दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो उन्हीं भाई के लिए दोस्तों मैं इसमें हर एक बात दोस्तों लेबल गुनिया इसमें क्या नहीं करके आप लोग बता रहा हूँ। बहुत नॉलेजदार है, समझिए पूरा वीडियो में दोस्तों इतना ना बोला हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं दोस्तों सिखा पाएगा। मैं YouTube पर लिख कर दे देता हूँ दोस्तों आप लोग के, अगर मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हैं ना, मैं इसमें अगर बीम प्लास्टर आप लोग देख रहे हैं तो जितना लंबा बीम होगा तो दोस्तों आप लोग बना पाएंगे। कैसे ये वीडियो तो देखिए कितना बवाल ले आया हूँ दोस्तों, वो भी दोस्तों अकेला मिस्त्री पकड़ कर बीम प्लास्टर कैसे कर लेता है, समझिए। कहीं कहीं तो हमने देखा है एक मिस्त्री इधर और एक मिस्त्री इधर और एक मिस्त्री मसाले मारेगा तब बीम प्लास्टर होता है। ऐसे थोड़े करना चाहिए, हमारे से दोस्तों अगर नॉलेज सीख रहे हैं आप लोग तो अकेला फंटी और अकेला ही आधा घंटा में आप लोग के 15x12 के बीम अगर आप लोग बना लेते हैं, समझिए आधा घंटा में, तो मैं मान जाऊंगा हाँ से मिस्त्री है, समझिए मेरे बराबरी के समझो आप लोग हो जाएंगे। तो बहुत नॉलेज सिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं ज़्यादा दोस्तों बातें आप लोग बताता हूँ कि आगे चल के आप लोग के काम जरूरी आएगा। दोस्तों आप लोग मेरे जैसा मिस्त्री बनिएगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ कि मैं आप लोग के कितना बताऊँ, समझिए मैं एक ऐसा हूँ दोस्तों कि मैं मेहनत से पीछे हटता नहीं हूँ। और जो भी मेरा ऑडियंस अगर देखता है, मैं उनको बोलना चाहेंगे से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, मेहनत खूब करना है अगर मिस्त्री बनना है, अगर दुनिया में नाम चलाना है दोस्तों मेरे जैसा, तो आप लोग के मिस्त्री नंबर वन बनना है। मैं बवाल काम करता हूँ दोस्तों, साफ सुथरा और पूरा गुनिया लेवल में, तो ज़रूर एक बार वीडियो देखिए। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए और शेयर होना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबा लेना, का इससे आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो हमारा मिलते रहेगा। तो चलिए आप लोग देखिए, पंजाब में तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने टकाई लगा है। इस तरीका से हम पूरे बीम के लगा लिए हैं और देखिए यहाँ पे बहुत निकला हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो के लाइक होना चाहिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं तो ना, तो हमारा तो बहुत सारा पुराना पब्लिक जो देखता है और कमेंट करता है इससे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए भैया, सीखते रहेंगे। और भैया मसाला भी रखने लगे, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे बहुत ज़्यादा काम भी करना है। और दीजिए एक डब्बा पानी दीजिए तो छोटा डब्बा में, हमारा लेबर दोस्तों देखिए अकेला है, बहुत मेहनत दिया है, बहुत मेहनत करते हैं। किस तरीके से देखिए पानी लगा देते हैं, काढ़ा गोला रखिए भैया, जब पानी लगाएंगे तो और काढ़ा गोला होना चाहिए, समझिए ना। अब इतना कमरा फाइनल करा दिए, अब देखते हैं गोला कैसा दे रहा है दोस्तों, बहुत मजेदार वीडियो है। और कितने बड़ा है, लगभग 10 फीट का बीम है, 11 फीट का होगा, बना रहे हैं। देखिए गोला भैया कैसा दे रहे हैं, और बाहर के प्लास्टर सुधार दे रहा हूँ, अभी एक और करना है। ये घोला रख दिए, इतना ना घोला आपको ये भर दिए टकार में, कैसे लगाना है आप लोग यहाँ पे सीखिए इस तरीके से, ऐसे जितने आसान है। देखिए पहले नीचे में हम लगा रहा हूँ ना, एक बात और ज्यादा ध्यान देना है, कोर पे लगना चाहिए नीचे के, और हमारा सेलिंग प्लास्टर नहीं हो रहा है, फॉल सेलिंग का है ना, इसके सेलिंग प्लास्टर नहीं हो रहा है अभी। चलिए भैया मसाला रखिए, देखिए एक ही टायर में भैया इतना ना घोला डाल दिए है, देखिए दो बार लगा रहे हैं हम, घोला में कंजूसी मत करना, सब कंपनी का सीमेंट लग रहा है तो घोला में कंजूसी क्यों आप लोग करेंगे। देखिए मसाला भैया भी पीट रहे हैं, छापते हैं इसको,
चरण भगवान अभी काम स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो भी ऑडियंस देखता है मेरे जैसा मिस्त्री उनको जरूर बनाइएगा तो मेरा वीडियो देखने का इस तरीके से ऐसे छापिए दोस्तों मोटे मोटे छापना है ठीक है ऐसे एक साइड से एक बराबर आप लोग छापना है और देखिए कैसे मछली जब उसको काटते हैं एक मिनट में आप लोग के काट लेना है यार बहुत टाइम नहीं लगाने देना है भट्टी से इस तरीके से देखिए कैसे छाप रहा हूँ ना पीछे भी और ऊपर भी ऐसे इस तरीके से ऐसे देखिए नीचे भी छाप रहा हूँ ना बहुत मेहनत करता हूँ और अपना लाइफ में बहुत मेहनत किया हूँ और आगे करके भी बहुत करने वाला हूँ इसलिए अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो मेहनत करना सीख लेना है आप लोग के मेहनत से पीछे मत हटना है समझिए इसका समझिए हम भी दोस्तों पहले नया नया जब था तो हमारा बहुत टेंशन हो रहा था आज चेहरा पर मुस्कुराहट है ना तो समझिए आज हम मेहनत किया हूँ काम सीख गया हूँ उसके बाद है ज़्यादा पहले मैं नहीं कर पाता था यार बहुत दिक्कत होता था मेहनत किया बहुत मिस्त्री लोग के इंसल्ट भैया तो हम तो आप लोग के आसानी से बता रहे हैं पहले तो मिस्त्री उतना बता भी नहीं गए यार कैसे कैसे बीम बनाते हैं कैसे कैसे छापते हैं चलिए जब इस तरीके से छाप देंगे पूरा बीम इसको ऐसे ऐसे चिपियाइए जैसे आप लोग आसानी लगे चाहे ऐसे चिपियाइए ऐसे चिपियाने से फंडी आप लोग आसानी से बन लिएगा फल के फंडी सफाई किया हुआ है और फिर भी सफाई और सीधा फंडी रहेगा इस तरीके से देख लेना सीधा है हमारा बिल्कुल बीम पे फंडी चलाना है आप लोग के कैसे देखिए मैं रखा हूँ इस तरीके से भैया ये कौन फंडी है पहले आप लोग के हल्के काटना है यहाँ वहाँ कैसे कटाई हुई है देखिए पूरे सूखा में बनाने के लिए इस तरीके से पूरे फंड जितना भी लंबा रहेगा पहले बहुत दिक्कत हो रहा था यार आप लोग मैं दर्द समझ सकता हूँ बहुत दिक्कत होता होगा ना पर मेरे जैसा इंसान के रहते हुए आप लोग के दिक्कत होगा जैसे देखिए बीच में गाढ़ा है इस तरीके से गाढ़ा है गाढ़ा को पहले आप लोग कर देना है भैया साउल लीजिए साउल लीजिए आप लोग के यहाँ से पकड़ना है देखिए अब हमारा पूरा दोस्तों सुन हो जाएगा अब इसको अपन साहुली से करेंगे देखिए और साहुले में लग रहा है इस तरीके से ऐसे एक साइड दाब के करना है तो और ऐसे कराना है साउल लीजिए देखिए ये रहा मेरा साउल इस कोने नीचे कर लेना है थोड़ा सा कटेगा 5 मिनट कोने में और डर क्या बताया
लग रहा है ठीक है, ये भी बोल रहा है थोड़ा कटेगा। पढ़ने के लिए अगर बोलेगा तो आप लोग देखिए यहाँ से बिल्कुल आप लोग पकड़ना है और इस तरीके से ऐसे काट देना है। साहुल में जरूर ये काट देना, उसके बाद ही दोस्तों गुंजन में आप लोग का आसानी होगा। और इधर देखिए इधर भी उसके हिसाब से साइड से बाप पर जाना है और इधर भी ऐसे काटना है। और जब साहुल में हो जाएगा तो समझिए ये आप लोग का सीधा फाटा हो जाएगा, काफ़ी सीधा लगेगा ऐसे ये वाला है ना, बहुत सीधा लगेगा। देखिए अब एक चीज़ और करना, जैसे कोर पे आप लोग देखिए पिंग बनाने के लिए ये जरूर आप लोग सीखिएगा, ऐसे यहाँ से वहाँ तक जरूर ऐसे मसाला हल्का हल्का कोर पे लगा लेना, प्लीज जरूर लगाना ऐसे, ऐसे नहीं लगाइए तो समझिए बनने में बड़ी हैरान आप लोग खेलेंगे। इस तरीके से जब लग जाएगा ऐसे मसाला से ऐसे आप लोग सीख जा लेना ठीक है। बस देखिए यहाँ पे भी पूरे बीम पे लगा लेना, जब इस तरीके से पूरे आप लोग यहाँ से वहाँ तक देखिए चिपिया लेंगे तो आप लोग के ध्यान देना यहाँ पे आप लोग फंडी पकड़ना है, इसके सीधा से ऐसे ये वाला ऐसे मार देना है ठीक है। और इस साइड पे ऐसे मारना है और ऐसे मार देंगे, समझिए ऐसे मारने से इसके पूरा सीधा आपका कोर हो गया ठीक है। और यहाँ पे मसाला रख लेते हैं, देखिए तरीके से हल्का सा ऐसे मसाला रख लिया और ये रहा स्पीड लेवल। भैया रुसा दीजिए प्लास्टर पे रगड़ के, बीच में हम क्यों बनाते हैं दोस्तों, कभी भी हमारा दोनों साइड एकदम मसाला जाएगा एक बराबर दोस्तों मार्जिन जाएगा। देखिए ये लेवल स्पीड लेवल है, यहाँ पे फल सेलिंग हो रहा है ना तो स्पीड लेवल से दोस्तों पूरा लेवल में बनना चाहिए। इस तरीके से देखिए मैं मसाला चेक कर रहा हूँ, कम से कम तो यार आधा इंच जरूर रखिएगा 10 mm बीम के हिसाब से कितना टेढ़ा है उसी हिसाब से देखिए मैं आधा इंच रख लिया हूँ, कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है सही है और बिल्कुल लेवल में है हमारा। जब लेवल में हो जाएगा कितने आसान है ऐसे एक हाथ से ऐसे फल्टी पकड़ के रखिएगा और ये जो छापे हैं इसको ऐसे चिपका देना है। बीम बनाने में क्या है ये फंडी को हिलने मत देना, इसीलिए मैं आप लोग बोलता हूँ वो बिल्कुल फंडी आप लोग अच्छे से फंडी में बनाना ऊपर वाला, अगर वो फंडी में नहीं होगा तो दोस्तों हिलेगा और हिलेगा तो धार बनेगा ही नहीं। देखिए इस तरीके से ऐसे छिपिया देंगे, ऐसा कोई सिखाएगा बताइए, पूरा लाइव स्टाइल ऐसा है हमारा काम हो रहा है। इस तरीके से इधर भी ऐसे छिपिया देना, देखिए रुस्ता कैसे अभी चलता है। और एक चीज़ दोस्तों सीखना पड़ता है ना, देखिए इधर भी एक ही हाथ पानी पकड़ा हूँ ना, इधर भी ऐसे जितना भी लंबा रहेगा ये तो मेरा 6 feet के पंडी है, अगर 8 feet के भी रहेगा तो ऐसे मैं यहाँ से आकर इधर तक बना दूँगा देखिए 8 feet तक। और ये रहा मेरा रूसा, जब रूसा दोस्तों आ जाएगा तो बिल्कुल ऐसे गुनिया में बनाने के लिए इस तरीके से ऐसे पंडिये पे से चलने देना है ऐसे। इस तरीके से देखिए ऐसे ये नहीं दोस्तों उधर काट देना है और देखिए यहाँ पे गिर गया है, यहाँ पे बीम गाढ़ा है ना इसलिए यहाँ पे गिर गया, तो वहाँ पे होगा तो थोड़ा सूखा सीमेंट मार लेना पहले, तो ऐसा ही एक बार देखते हैं
गोला मारा हुआ है, पहले का टिक जाएगा, अगर नहीं टिकेगा तो सुबह से मैं एक बार जरूर लगा लेना। हम लगाएंगे, पहले आप लोग के सामने ही हम कर रहा हूँ ना, बना रहा हूँ, बन जाएगा तो ठीक है, थोड़ा सुबह से मैं लगाएंगे। देखिए बन ही गया दोस्तों, ये जब गुस्सा मारते समय नहीं गिरा तो फंसी हटाएंगे तो थोड़े गिरेगा। हो गया लेवल में हमारा, हो गया इतना हो जाएगा तो देखिए जितना भी लंबा बीम रहेगा ऐसे आप लोग जरूर यार कर लेना, गुनिए में ऐसे करने से कभी आप लोग के दोस्तों अगर उत्तर से समझिए नए आदमी से चढ़ जाएगा। और इस तरीके से एक साइड से पांडी जा के रखना पूरे सूता में, देखिए कितने जीरो जीरो है, तनको हिलेगा नहीं। और यहाँ से इस तरीके से कर देंगे, देखिए अपना यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सीधा बन गया दोस्तों लेवल में। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला है ना तो इस पर हम रख देंगे, ठीक है। अब लेवल भी मिलाने का जरूरी नहीं है, जब आप लोग सीधा पंडी है और सीधा मार दिए हैं यहाँ से वहाँ तक, देखिए हमारा बिल्कुल लेवल में हो गया, समझिए हमारा धार में से मिल गया है ऐसे। जब इस तरीके से मिल जाएगा तो समझिए इधर भी लेवल में आ जाएगा, अगर वो लेवल में आप लोग अगर सही से मिलाते हैं तो। देखिए इस तरीके से इधर भी अब हमारा चिड़ी आया हुआ है हल्का फुल्का, इस तरीके से ऐसे देखिए कितने बड़ा पसंद करेगा ना। और ये ठंडी तो बिल्कुल हिलने मत है ना, जैसे देखिए हमारा फसल से थोड़ा सा सूख चुका है, बनाने में 20 फुट के बीम से अंडा लगता है। कैसे कर रहा हूँ, ये हमारा ऊपर में छिड़ी है, इस तरीके से ऐसे चिपका देंगे। देखिए यहाँ पे भी है, इसको ऐसे चिपका देंगे। और डायरेक्ट इसी से ऊपर नहीं मारना है, अभी पंटिंग कराएंगे, पूरे चिपका देते हैं, तुरंत एक्सीडेंट में हो जाएगा। इस तरीका से हर भी मसाला के बीच में मसाला मारना है और चिली है ऐसे
ठीक है। जब इस तरीके से हो जाएगा तो ये देखो फंडी सीधा आप लोग के यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे समझिए ये बैठ जाएगा, ये पूरा बैठना चाहिए तभी आप लोग ऐसे मार सकिएगा। और यहाँ से कैसे ऐसे समझिए फिर बैठेगा नहीं, और ऐसे मारिएगा तो गिरेगा, अगर बैठा है तो नीचे मारना, अगर आप लोग के धार गिर जाएगा तो फिर बोलना कि हाँ राजू भैया धार गिर जा रहा है मेरा, कैसे ऐसे मार देंगे हटा देंगे। तीन मर गया, 6 फीट उधर हो गया और 6 फीट इधर हो गया, देखिए 12 फीट के बीम है। देखिए ये भी हमारा बीम बन गया, कितना आसानी से बन गया फंडी। अब हम यहाँ पे डाल देंगे और ऊपर वाला फिनिशिंग करके, और दीवार के अब हम इसी हिसाब से दीवार के नापी करके हम फंडी मार देंगे। इस तरीके से ऐसे इस तरह से हम सब फिनिशिंग कर देंगे। इतना आसान है दूसरा ऐसे कर लेना ऐसे, ये हमारा हो गया, थोड़ा सा गिरेगा ग्राउंड दोस्तों लरम लरम बन रहा है गीला गीला ऐसे, ऐसे ऊपर मार देंगे। देखिए दोस्तों हमारा बीम देख सकते हैं दोस्तों कितने कंप्लीट हो गए, दीवार भी साथ में कर रहे हो, देखिए काम कैसा लगा दोस्तों। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कैसे आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग सीख सके। कल कमेंट करके जरूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा, नॉलेज मिला होगा, उसके बाद दोस्तों आगे आप लोग की क्या प्रॉब्लम होता है उसमें बताना। अभी देखिए अभी ये सब करना है, अभी चलता हूँ मैं करने। चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।